हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलराउंडर चैनल। मैं आपकी फ्रेंड लक्ष्मी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आज मैं आपको एक और कान्हा जी का बहुत ही सुंदर फूल फ्रॉक बनाना बताऊंगी, जिसमें ये आपको फ्लावर्स लगेंगे। ऐसी कोई भी लेस ले लीजिए, एक वेलवेट के कपड़े पर बनाइए, और ये रेड कलर का वेलवेट का कपड़ा, सुई धागा कैंची लगेगा। अगर आप सिल्क नहीं, स्टिक करके बनाना चाहती हैं, तो फिर आपके लिए इसको ग्लू लगेगा। तो मैं आपको पहले बता दूं, फटाफट बन जाती है ये मिनटों में ही। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसका कपड़ा कैसे आपको काटना है। ये देखिए, जिस नाप का आपको बनाना हो वैसा ही कोई भी एक प्लेट या रख लीजिए। मैंने छलनी ली है, मुझे इस नाप का चाहिए। और इसमें हमको यहाँ साइड से ना, ये वेलवेट है तो आपको मोड़ के सिलने की ज़रूरत नहीं है। और इस नाप से आप एक गोल बना लीजिए। मैंने इसको लेके और इसे थोड़ा सा बड़ा काटा है, तो ये काट लिया। काटने के बाद अब हमें इसको ऐसे चार बार फोल्ड करना है। चार बार फोल्ड करने के बाद आपको यहाँ बीच में से आपके गोपाल की कमर का जो चौथा हिस्सा है उसके नाप से आप उसको काट लीजिए। ये काटने के बाद इसको आधा खोलिए। अब देखिए, आपको दिख रहा है ना, ये प्रिंटेड की वजह से प्रॉब्लम, ये दिखा, ये ऐसा गोल काट लेना, जैसा कि हम दूसरे गोल फ्रॉक्स में बनाते हैं वैसा ही। और वैसा करने के बाद आपको एक साइड से इसको कट कर देना है पहनाने के लिए। अब ये हमने इसको ऑलरेडी करके रखा हुआ है, तो हम आपको दिखा देते हैं ये। अब इसमें आपको ऐसे करके ये लटकन जो है बाहर की ओर आएगी, ऐसे आपको ये फूल लगा देने हैं। आप चाहिए तो चिपकाइए, चाहे इसको सिल दीजिए। सिलने से बहुत टाइम चलेंगे, लेकिन हॉट ग्लू है तो भी बहुत चलता है। अब ये कर दिया है, अब ये देखिए, अब ये जो लेस है इसको हमें इसमें चिपका देना है, ये ऐसे करके। ये देखिए, अब ये कितना अच्छा दिखेगा जब ये पूरा हो जाएगा। इसको इतना हो जाए, ये मैं आपको करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको सिल दिया, साइड से ही ऐसा लगाया और इन छह फूलों को मैंने लगाया। आप चाहें तो थोड़ा सा गैप करके पांच फूल भी लगा सकती हैं। यहाँ यहाँ आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक लेस का, यही लेस का आपको एक टुकड़ा लेना है, तकरीबन ये इतना बड़ा, ठीक है। और ये जो सेंटर है इसके बीच को आपको ऐसे करके सिलना है, यहाँ पर इसके सेंटर में। और इसको सिलेंगे पीछे और इसका सिलेंगे पीछे, तो ये उसके गोपाल के हाथ में आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लगा दिया मैंने। अब ये जब मेरे गोपाल पहनेगा ना, इतना प्यारा दिखेगा, इतना प्यारा। तो ये कैसी लगी ड्रेस आपको? अगर आपको ये पसंद आई तो इसे बनाइए और पहनाइए अपने गोपाल को, खूब सजाइए। गोपाल का आप जितना श्रृंगार करेंगे उतना अच्छा है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और इसे शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। तो जय श्री हरि दोस्तों।